वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हरसिमरन सिंह लैके हाजिर हाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियाँ इस हफ्ते दियाँ कुछ खास सरगर्मियाँ गूंजा सिख विरसे दियाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब देश अते दुनिया दे विच बड़ी श्रद्धा ते भावनावां दे नाल मनाया गया, जिथे दिल्ली दे गुरुद्वारा मोती बाग साहिब विखे एक विशेष समागम रखा गया, जिथे वड्डी गिनती च आके संगतां ने हाजरिया भरिया। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी गावो बाणी। गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तार, गुरबाणी गावो। गुरु रूप सवारी सत्संग जी फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज दे प्रकाश पुरब दियां सब तो पहला समूह संगतां नूं लख लख वधाई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे इस पावन दिहाड़े दे उते जिस तरीके दे नाल तुसी हाजरियां भर रहे हो, सच जाणियो गुरु महाराज दी अपनी बख्शिश अपने उन्हां गुरु सिखां दे उते जिन्हां ने सानू ए लड़ ला के गए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी संपादना कीती गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, और इस बाणी नू इकट्ठा करके श्री अमृतसर साहब दी धरती दे उते जद संपूर्णता कीती, और एदे पहले मुखी ग्रंथी साहिबान बाबा बुढ़ा जी नू बनाया गया। महाराज ने साहिबां नूं हुक्म कीता बुढ़ा साहिब नूं और कहा कि बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज सुने सब पंथ। अदब सहित ग्रंथ जब खोला, बुढ़ा साहिब तक मुकबोला, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। ए पहला मुखवाक बाबा बुढ़ा जी ने लिया, और इस आद ग्रंथ दी संपूर्णता होंदी चली गई। एक ग्रंथ कोई एक दिन च नहीं बनिया। गुरु महाराज ने उस समय दे विद्वानां नूं, उस समय दे कवियां नूं इकट्ठा कीता और उन्हां नूं सद्दा दिता कि जिहड़ी तुसीं बाणी लिखदे हो, जिहड़ी तुसीं कवितावां लिखदे हो, उह लै के तुसीं साडे कोल आओ और इहदे विच देखिया जाएगा कि इहदे विच किन्नी इस अकाल पुरख दी उस्तत है। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े वड्डे कवियां ने इहदे विच शुमलितां पाईआं, मगर प्रवान ओही लोग होए जिन्हां ने इहदे विच सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरख दी उस्तत रखी, सिर्फ ते सिर्फ सच्चे मार्ग ते चलण दा दृश्य दिखाया। और उन्हां लोगां नूं जिन्हां ने अपना नाम अपना करन दी गल कीती, उन्हां नूं इहदे विच स्थान नहीं दिता गया। गुरु साहिब ने उन्हां लोगां नूं भी परे करता जिहड़े बड़े वड्डे वड्डे लिखारी मंगदे सी, मगर उन्हां दीआं बाणियां दे विच उन्हां दी कवितावां दे विच जिथे होमे नजर आई उहनूं इहदे विच स्थान नहीं दिता गया, और कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच होमे दा कोई स्थान नहीं। इस करके इस बाणी दे विच लिखिया होया जिहदे असीं रोज पढ़दे आ कि तन सो कागद तन कलम, तन सो पांडा तन मस, तन लिखारी नानका जिन नाम जपाया सच। ए नाम जेड़ा लिख के गए है, ए सच दा नाम ए गुरु महाराज ने आप लिखवाया, और दसवें पातशाह ने इस आद ग्रंथ दी संपूर्णता करदे होए गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी दे विच नाल दर्ज करदे होए नंदेड़ दी धरती दे उते सारी कौम नूं ए हुक्म देता कि आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिकण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अज दा ए महान दिन जो के धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित पहला प्रकाश पुरब गुरपुरब मनाया जा रहा है, आप समूह साध संगत नूं
अज दे इस पावन पवित्र दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे जी। गुरु साहब कृपा करन सानू बाणी दी दात बख्शन, बाणे दी दात बख्शन, पर अज दा साडा मनाया होया ए दिन सफल होवे। गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु नानक साहब जी ने सिख धर्म का आगाज किया। सो सिख का भाव है सिखना। हमेशा ही सिख नूं अपने जीवन दे विच सिखना चाहिदा है। और सिखना कित्थों चाहिदा है? वो साडे कोल बहुत वड्डा खजाना है गुरबाणी का, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। गुरु नानक साहब ने जिथे भी दीवान लगाए, जिथे भी यात्रावां कीतियां, गुरु साहब ने बहुत ऐसे स्थान जिथे बाणियां उचारण कीतियां। जो बाणी गुरु साहब जी ने उचारण कीती, जो शब्द उचारण कीते, उस नूं कलम बंद कराया, एक पोथी दे रूप दे विच वो सारी बाणी कलम बंद होई। गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद देव पातशाह जी, दूसरे गुरु, गुरु अमरदास पातशाह जी, तीसरे सतगुरु, चौथे सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु रामदास पातशाह जी, पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, बाणी दे बोहित, धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने यह बख्शिश कीती कि पंज गुरु साहिबान वल्लों जो बाणी उचारण कीती सी, वो बाणी एकत्र करके खालसा जी, जिस तरह प्रधान साहब जी दस रहे सन कि समकाली हिंदुस्तान के कोने कोने तो भगतां ने जो बाणियां उचारण कीतियां, वो बाणियां जेड़ियां गुरु नानक साहब जी दी फिलोसफी ते गुरु नानक साहब के फलसफे से टुकदियां सन, जो मानवता की गल हुंदी सी, जिस चो मानवता की झलक आउंदी सी, वो बाणियां 15 भगतां दियां एकत्र कीतियां, चाहे वह भगत कबीर जी होन, बाबा फरीद जी होन, भगत सेन जी होन, भगत तन्ना जी होन, 15 भगतां दियां बाणियां एकत्र कीतियां, और 11 पट्टां दी बाणी, 4 गुरु दे सिखां दी बाणी, उस नूं आदि ग्रंथ दे रूप विच 1604 ईस्वी नूं सिखां दा ओ केंद्रीय स्थान, जिथों अज भी श्री अकाल तख्त साहब तों हरिमंदर साहब तों हर एक सिख, चाहे वह किसी भी कोने ते बैठा हो, वो सेध लै के चलता है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने इंसानियत नूं बचाउण लई, धर्म नूं बचाउण लई, मानवता नूं बचाउण लई सारा समा उन्होंने जो संसारिक जो जीवन सी उन्होंने जंगा युद्धां दे विच अपना लगा दिता। और दमदमा साहब दे उस पावर पवित्र स्थान ते 9वें महले दे श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बाणी दर्ज करके और सिखां नूं नंदेड़ दी धरती दे उत्ते हुक्म कीता कि आप शब्द गुरु जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अज तो बाद उन्हां नूं अपना गुरु मनना है। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। सो ए सिखां नूं गुरु साहब ने हुक्म कीता। ते हुण वेला हो गया एक ब्रेक दा, जल्द हाजिर हुंने आ छोटी जी ब्रेक तो बाद। दिल्ली कमेटी वालों सिख बच्चों का सन्मान किया गया। गोवा विच होण वाले खेड मुकाबले विच ए बच्चे हिस्सा लैन जा रहे हैं। इन्हां बच्चों ने पहले ही खेड के खेत्र विच बड़ी मल्लां मारियां हन अते इन्हां दी हौसला अफजाई लई दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका ने इन्हां नूं शुभकामनावां दित्तियां।
कि जिस तरीके दे नाल साड़ी कौम की सब तो इंपोर्टेंट जिन्हों असी खेड भी कह सकते हैं मार्शल आर्ट जिहड़ी सानू गुरु साहिबां दे समय दे उत्ते चल रही है गतका उन्हों आज दुनिया भर के जिस तरीके दे नाल मानता मिल रही है ये बहुत खुशी की गल है। और उहदे नाल नाल साडे जिहड़े अपने बच्चे है खास तौर पर मैं दिल्ली की गल करांगा कि दिल्ली गतका फैडरेशन के प्रधान सरदार जोरावर सिंह होर ने अपनी टीमों नूं जिस तरीके नाल प्रेरित किया और अज लगातार उहदे विच इजाफा होंदे हुए बच्चे नैशनल गेम्स खेल रहे ने इंटरनेशनल पद्धर ते जा रहे ने और हुण जिहड़ियां ओलंपिक दे विच जिहड़ियां खेडां हो जा रही हैं उहदे विच भी इस फैडरेशन के बच्चों ने उहदे विच पार्टिसिपेट करन वास्ते उहनां नूं सिलेक्ट किया गया। ये 22 बच्चों की टीम जिन्हां ने जाके हिंदुस्तान नूं रिप्रजेंट करना है और इन्हां सारयां ने जिस तरीके दे नाल पिछले कई सालों तो मेहनत करते हुए अपने जौहर दिखाए ने अपनी कला सीखी है ये नाल इस गल के उत्ते बड़ी खुशी होंदी है कि जिते गुरु साहिबां वालों बख्शी ए दात जिहड़ी गतके की है उन्हूं उन्हां ने सांभिया उहदे नाल नाल अपने बाणे दे नाल जुड़े हुए हैं। सो सानू बहुत खुशी हो रही है अज पहले सब तो पहला तो मैं उस टीम नूं जिहड़ी ओलंपिक लई जा रही है उन्हां नूं मैं बधाई दिंदा नाल ही बधाई दिंदा कि जिहड़ी गतका फैडरेशन ऑफ इंडिया वालों हर साल जिहड़ा कॉम्पीटिशन हुंदा ऑल ओवर इंडिया दीआं टीमां आउंदीआं उहदे विच जिहड़े ये बच्चे दिल्ली गतका फैडरेशन दे अपना दूजा स्थान लैके पहुँचे ने इन्हें भी दुनिया दे विच अपना एक नाम किया। सो अज दी अज इत्थे बुला के इन्हां सारयां दा जिथे असीं धन्नवाद कर रहे हैं इन्हां नूं मुबारकबाद दे रहे हैं और इन्हां नूं अगले आने वाले समय दे विच जिस तरीके दे नाल दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमेशा अपनी पनीरी नूं अग्गे वधाउण वास्ते जिहड़ी बाणी अते बाणे दे नाल जुड़ी होए उहदे लई हमेशा तत्पर रहिंदी है असीं इन्हां सारयां नूं इस गल दी हौसला अफजाई भी दिंदे हां कि हमेशा कमेटी तुहाडे नाल खलोती है। दिल्ली दे सरकारी स्कूल दे पंजाबी भाषा दे टीचरां वल्लों दिल्ली सरकार खिलाफ़ रोस प्रदर्शन किया गया जिथे इन्हों का यह इल्ज़ाम है कि दिल्ली सरकार वालों वादा खिलाफी की गई है। लंबे समय तो यह टीचर वालों दिल्ली स्कूलों में काम किया जा रहा है पर हजे तक इन्हों अपॉइंटमेंट लैटर नहीं दिए गए हैं जिसके चलते इन्हों काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। अते दिल्ली कमेटी के जनरल सकत्र जगदीप सिंह कालो ने भी दिल्ली सरकार से तिखे हमले किए हैं। चक्कर है कि पंजाबी दे नाल हमेशा धक्का हुंदा आ रहा और पंजाबी जिहड़े टीचर से उन्हां नूं अपनी मंगां नूं लैके जिहड़ा पंजाबी अकैडमी दे मूहरे जिहड़ा स्ट्राइक करनी पै रही है। देखो दिल्ली दे विच ते पंजाबी दे नाल बहुत वड्डा वितकरा हो रहा और खास करके जदों तो आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है इन्हां ने तो मैनूं इवें लगता है कि केजरीवाल साहब ने कसम खा रखी आ कि पंजाबी दा ते गाली घोट देना ये हालात बना दते इन्होंने। दिल्ली दे विच सब तो पहला इन्होंने पंजाबी नूं मारन की गल ये की कि जिहड़े टीचर लगे सी पंजाबी दे कई सालों तो डॉग दे उत्ते टीचर सी और बहुत सारे स्कूलों दे विच गवर्नमेंट दे स्कूलों दे गवर्नमेंट एडेड स्कूलों दे विच सरकारी स्कूलों दे विच वो पंजाबी दा विशा जो है वह पढ़ा रहे सी ते इन्हां ने कहा कि पंजाबी नूं खत्म करना सब तो पहला उन्हां टीचरां नूं हटा दिता गया। अज उन्हां टीचरां वल्लों वड्डी गिनती दे विच जाके पंजाबी अकैडमी दे बाहर प्रदर्शन किया है कि सानूं वापस अपनी जो जॉब है उस दे उत्ते लिया जाए लेकिन वो पहले भी प्रदर्शन हो चुके आ केजरीवाल सरकार दे उत्ते इहदा कोई असर नहीं है। जिहड़ा बजट पंजाबी अकैडमी नूं एलोकेट किया जाता है वो बजट अगर 10 करोड़ है तो वह 2 करोड़ यूज़ करके बाकी दूसरी जगह के उत्ते ट्रांसफर कर दिता जाता है। ये इस तरह दियां गल्लां पंजाबी नू दिल्ली चो खत्म करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पंजाबी नू दूसरी लैंग्वेज का दर्जा जिहड़ा दिल्ली दे विच प्राप्त है लेकिन ना किसी दफ्तर दे विच पंजाबी दे विच गलबात होंदी है ना किसी दफ्तर दे विच कोरेस्पोंडेंस हुंदा है। अगर कोई भुला भटका पंजाबी दे विच लैटर लिखा जाए तो उसका जवाब नहीं आता क्योंकि दफ्तर के पंजाबी लिखण वाला पंजाबी टाइप करने वाला पंजाबी पढ़न वाला कोई इंपलाई कोई मुलाजम दिल्ली दे विच नहीं है। सो कहने का भाव है कि हर तरीके तो हर जगह तो जिहड़ी स्कूलों के पंजाबी पढ़ाई जानी सी उस पंजाबी लैंग्वेज की जगह के उत्ते बाहर दियां फॉरन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दित्तियां
और पंजाबी का दर्जा जिहड़ा दूसरा दर्जा सी उन्हूं चुक के छेवें जां सतवें स्थान पर लै गए ताकि पंजाबी पढ़न वाला ही कोई ना हो इस तरह का माहौल बना दिता जाए। सो ये अज सोचण दी लोड़ है पंजाब वालियां नूं, खास करके मैं बेनती करांगा कि जिन्हां ने तुसीं सरकार बनाई है अज पंजाबी तुहाडी सरकार का हालात देख लो दिल्ली दे विच कि दिल्ली दे विच पंजाबी भाषा का किस तरीके दे नाल गल कुटिया गया है, अज किस तरह पंजाबी खत्म करन दी कोशिश की जा रही है केजरीवाल सरकार वालों। और बार बार साढ़े कहण दे बावजूद असी बहुत बारे मुद्दा चुक चुके हैं, बहुत बारे मुद्दा रेज कर चुके हैं, लेकिन सरकार दे कान ते जू नहीं सरकी। वेला हो गया है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होने हैं छोटी जी ब्रेक तो बाद। दिल्ली दे सुल्तानपुरी विच होए 1984 सिख कतलेआम दौरान 6 सिख नौजवानों के कतलेआम के मसले पर सुनवाई दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट विच हुई, जिथे मुख मुलजम सज्जन कुमार खिलाफ़ सुनवाई फिलहाल टल गई है। अगली सुनवाई 20 सितंबर नूं रखी गई है, जिसके चलते दिल्ली कमेटी वालों इंसाफ की मांग की गई है। CBI ने डिसाइड किया है कि तीन विटनेस जो बयान हुए ने सफिशेंट ने, बहुत वधिया बयान होए ने उन्होंने, बहुत इन्होंने ठोक के बयान उन्होंने सज्जन कुमार के खिलाफ उन्होंने दिते ने और क्रॉस के विच भी जवाब उन्होंने दिते ने। रिकॉर्डिंग होंदी सी कोर्ट के विच और सारे गवाहां ने बहुत अच्छी तरीके दे नाल और साडे वकीलां ने बहुत अच्छे तरीके नाल फाइट किया हैगा और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह नूं इत्थे अपीयर किया सीगा। HS फुलका साहब इत्थे अपीयर होए ने और ओदे नाल CBI दे DP सिंह ओ अपीयर होए ने, गुरबख्श सिंह अपीयर होया और साडे होर वकील। अज कोर्ट ने कहा है कि 99% सारी ऑर्डर जिहड़ा हैगा कंप्लीट है और आने वाले 20 तरीक नूं 20 सितंबर नूं 2 बजे वो अपना फैसला एदे विच दे देगी। असी गुरु महाराज दे चरणां विच भी बेनती करांगे कि इहनूं सुमत दवे और इहनूं सजा दवे। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम दी एक बीमारी तों 7 महीनों दी बच्ची नूं बचाउण लई दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका ने संगतां नूं अपील की, यह इंजैक्शन बच्ची नूं लगना है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ दसी जा रही है। दिल्ली कमेटी वालों संगतां नूं अपील की गई कि इस बच्ची की मदद की जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया भर के जिस तरीके दे नाल नवी नवीं बीमारियां सामने आ रही हैं, एक बहुत ही भयंकर बीमारी साड़ी बहुत ही प्यारी बच्ची जैशा कौर जिदी उम्र सिर्फ 7 महीनों की है, उस बच्ची नू एक स्पाइनल की ऐसी बीमारी हुई है जिन्हों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहा जाता है, जिदा कोई इलाज दुनिया दे विच इस पद्धर ते नहीं हैगा कि उन्हू किसी तरीके दे नाल ट्रांसप्लांट या किसी होर तरीके दे नाल कीता जाए, मगर साइंस ने जिस तरीके दे नाल तरक्की की है एक ऐसा इंजैक्शन जेड़ा एक बच्ची की जान बचा सकता है वो उस जिसका नाम है ज़ोलेंसमा। ये जेड़ा इंजैक्शन है इहदी जिहड़ी कीमत है तकरीबन 17.5 करोड़ रुपया जेड़ा बाहरों आना है विदेश तो, और ये बच्ची दे लगन दे नाल बच्ची नू अगले आने वाली जिंदगी दे विच उहदा इजाफा भी हो सकता है और तंदुरुस्त होकर जिहड़ी उहनू प्रॉब्लम हुई है स्पाइनल दी जिहदे करके वह उहदी डिवेलपमेंट नहीं होनी, उहदी अपकमिंग नहीं होनी, उहदे विच ये इजाफा हो सकता है। से जिहड़ा ये इंजैक्शन डॉलरस दे विच अगर असीं गल करिए 2.1 मिलियन डॉलरस का हैगा, जिहदी इंडियन करंसी 17.5 करोड़ रुपया है। वख वख संस्थावां वख वख जथेबंदियां ये बच्चों इस परिवार को सपोर्ट कर रही हैं कि असी अपनी इस बच्ची नू बचा सकीए, जिहड़ी एक बहुत ही देखने किन्नी प्यारी बच्ची है मगर उहदी बीमारी का बारे जिहड़ी है तकरीबन 1.5-2 महीने बाद पता चलिया। सो अज इहदे उत्ते जिथे वख वख संस्थावां काम कर रही है, इंपैक्ट गुरु जिहड़ी एक NGO संस्था है जिहड़ियां इहो जिहियां तकलीफां दे विच आए हुए परिवारां दी मदद करदी है, उह उन्हें भी नाल बीड़ा चुकिया और इस दे उहदे माध्यम दे असी सारियां संगतां नूं सारे दुनिया भर दियां वख वख जथेबंदियां नूं प्रबंधक कमेटियां नूं असी अपील करदे हां कि असी आईए
असी सारे मिल के अपनी किरत कमाइया के दसवंत दे विचो इस बच्ची दे लई इस इलाज लई पैसे दईए ताकि ये बच्ची अपनी जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू कर सके। सो मैं सारे नू बेनती करदा कि जिहड़ा लिंक तुहानू इस वीडियो दे नाल आ रहा इंपैक्ट गुरु एन जी ओ दे नाम दे उत्ते उहदे उत्ते जाके अपनी किरत कमाइया चो दसवंत दे के इस परिवार की मदद करिए। ऐसन इस हफ्ते दियां गूंजां सिख विरसे दियां अगले हफ्ते होर नवी खबरां दे नाल हाजिर होवांगे। दवो इजाजत, सत श्री अकाल।